सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। न्यू आईसेट कैप्सूल, ये कैप्सूल जो कि बनाई गई है सन फार्मा के द्वारा, और ये 10 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ये कैप्सूल फॉर्म में, और इसका एमआरपी की बात करें तो 243 रुपीज़ रहता है। ये हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और फॉर्मुलेशन करने के लिए हेल्प करता है, दिखने की शक्ति को इम्प्रूव करता है और आपको ट्रीटमेंट करता है बहुत सारे अदर केसेस में, और ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, और ये ट्रीटमेंट करता है स्किन के डिसऑर्डर को भी ट्रीटमेंट करता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईसेट प्लस कैप्सूल कैसे काम करती है, इसका यूजर्स क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, और इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या डाला गया है, और इसको कैसे लेने का, और इसको अगर ज़्यादा ले लो तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और आप इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा या क्या साइड इफेक्ट होगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आएगा कि आईसेट प्लस कैप्सूल जो कि न्यू आईसेट प्लस कैप्सूल है वो क्या काम आती है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। न्यू आईसेट कैप्सूल जो कि न्यू एडवांस आईसेट कैप्सूल है जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। 10 गोली का पूरा कैप्सूल रहता है स्ट्रिप, जिसका एमआरपी 243 रुपीज़ रहता है। तो ये कैप्सूल जो कि बनाई जाती है सन फार्मा के द्वारा, और ये कंट्रीब्यूट करती है ब्लड सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए, तथा प्रोटेक्टिंग करके रखती है आई के टिश्यू को सनलाइट से डैमेज होने से, तथा ये प्रोटीन एंड डीएनए को कर्टिलाइज करता है और इनिबिट करता है फ्री रेडिकल्स डैमेज से, और रेगुलेट करके रखती है आपके फ्लूड ट्रांसपोर्ट को, म्यूकोसल को, इंटीग्रिटी को, इम्यूनिटी को, और गेन एक्सपीरियंस को, और ऑक्सीडेशन स्ट्रेस से बचाती है। इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो बहुत सारे यूजफुल कंटेंट डाले गए, जैसे कि बीटा कैरोटीन डाला गया है, कॉपर, एल ग्लूटेनॉइड, लूटिन, मैंगनीज, सिलिनियम, विटामिन सी, विटामिन ई, जिया जेंटिन एंड जिंक डाला गया है। ये सब कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं। तो न्यू आईसेट कैप्सूल जो कि यूज होती है एज रिलेटिव विजन लॉस से, मतलब जो लोग की एज बढ़ गई है और उसको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको लिए ये यूज होती है, और एज रिलेटिव मस्कुलर डिग्रेशन से और रेटिनल प्रॉब्लम से आपको ट्रीटमेंट देती है, और आपके एक्ने या हाई ब्लड प्रेशर या एपिलेप्सी से ये ट्रीटमेंट करती है। स्किन के डिसऑर्डर में भी हेल्प होती है और अस्थमा के सिम्टम में भी ये हेल्प होती है। तो न्यू आईसेट प्लस कैप्सूल जो कि आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं, जब भी आप इसे परचेज करो तो इसको केयरफुली रीड कर दे, और आपके इसके डोज जो डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया वही ले। तो आपको न्यू आईसेट प्लस कैप्सूल के बारे में अगर आप कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।